हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देवरूप तिवारी में। मैं रूपाली आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यमी टेस्टी गुलाब जामुन की रेसिपी। यस, आप सभी के मुंह में पानी आ गया होगा सुनकर, है ना। डिश ही ऐसी है, इसे देखकर और सुनकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है और देखने में बहुत यमी लग रहे हैं और खाने में भी ना बहुत टेस्टी है। इसका जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और ये बहुत ही आसान है बनाना। आप इसको घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। बनाना नहीं भी आता है ना तो ज़रूर गाइस आप इसको ट्राई करिएगा। ऑब्वियस आपको बनाना आएगा और आप बहुत अच्छे से इसे बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे दिख रहा है ना वैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, ज़रूर एक बार आप इसको बनाकर ट्राई करिएगा एंड कमेंट में शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम खोवा। मैंने 500 ग्राम लिया है, हाफ़ के जी। आप चाहें तो आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 250 ग्राम, 1 के जी, जो भी आपको जिस लिमिट में बनाना है। तो मैंने ये 500 ग्राम खोवा लिया है। खोवा आप जब भी लेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जिस भी शॉप से लेते हैं ना तो वहाँ आप बता कर लीजिएगा कि आप गुलाब जामुन का खोवा लेना है। तो गुलाब जामुन का जो खोवा रहता है ना उसका जो कलर देखिए, वाइट नहीं होता है, कुछ इस पिंक कुछ ये ब्राउन कलर होता है। तो ब्राउन कलर का खोवा रहता है जो गुलाब जामुन का, ये स्पेशली गुलाब जामुन के लिए ही होता है। तो आप गुलाब जामुन का खोवा लीजिएगा। और अब ये जो 500 ग्राम मैंने खोवा लिया, इसमें मैं एक कटोरी गेहूँ का आटा मिक्स करूँगी। एक गेहूँ का आटा जो है बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपका खोवा टाइट है तो आप उसे एक बार अच्छे से किस लीजिएगा ताकि उसमें एक भी दाना नहीं रहे। खोवा बहुत सॉफ्ट है फिर भी मैंने इसे किस लिया है कि कोई चांसेस ना रहे इसमें कोई दाने रह जाएं खोवे के और ये अच्छी तरह से आटे में हमारे मिक्स हो जाए। तो गाइस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, खोवा अगर आपका टाइट है तो उसको आपको किसना है। और उसके बाद अगर 500 ग्राम आपने खोवा लिया है तो आप एक कटोरी गेहूँ का आटा उसमें मिक्स करिएगा और अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है कि बहुत अच्छे से खोवे में पूरी तरह मिक्स हो जाए। कहीं भी ऐसा ना हो कि खोवा आपका अलग हो या आटा अलग हो, तो आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप 1 केजी लेते हैं तो जस्ट आपको डबल करना है आटा। आप दो कटोरी आप ले सकते हैं और अगर आप 250 ग्राम खोवा ले रहे हैं तो आप इसका जस्ट हाफ ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करिएगा। और अगर आपका खोवा टाइट है, मेरा खोवा बहुत सॉफ्ट है तो मुझे इसमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपका खोवा टाइट है, बहुत ही ड्राई लग रहा है आटा मिक्स करने के बाद, ये बाकी बचा आटा है मैंने वो भी मिक्स कर रही हूँ, तो अगर आपको जो आटा है उसको मिक्स करने के बाद आपको लग रहा है कि बहुत ड्राई है तो आप थोड़ा सा उसमें दूध के छींटे डालकर उसे अच्छी तरह से एक आटा मिक्स करके उसे डो तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। कई बार होता है कि खोवा हमको ड्राई मिलता है और कभी बहुत अच्छा मिलता है, मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही सॉफ्ट खोवा है और तो मैंने इसमें दूध बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है। इसे कई जगह मावा भी बोला जाता है, खोवा मावा, आप जो भी आपके यहाँ चलता है तो आप मावा या खोवा बोलकर इसे ले सकते हैं शॉप से। अब मैं इसमें खाने का सोडा मिक्स करूँगी। ये देखिए खाने का सोडा, बहुत ध्यान रखें कि ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो आपके गुलाब जामुन बिगड़ सकते हैं। तो आप खाने का सोडा आप देख चुके हैं मैंने कितना लिया है, करीब 2 चुटकी मैंने खाने का सोडा लिया है, हाफ टी स्पून से भी कम लिया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें हम आटा और खाने के सोडे के अलावा थर्ड कोई भी चीज़ नहीं मिक्स करेंगे। अगर आपका खोवा ड्राई है तो आप उसमें दूध के कुछ छींटे डालकर आप उसे इस तरह से गूंथ सकते हैं। देखिए कुछ ही देर में हमारा जो गुलाब जामुन का ये जो डो है वो तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए आप फूलने के लिए रख सकते हैं, अगर इंस्टेंट बनाते तो इंस्टेंट भी बन जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये जो है ना गुलाब जामुन का डो तैयार हो गया है। मैं इसे इंस्टेंट बना रही हूँ, मैं इसे अभी फूलने नहीं रख रही हूँ, तो भी देखिएगा हमारे गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चाशनी के लिए देखिए मैंने ये जो कंटेनर है उसमें 3 कटोरी शक्कर ली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चेंज कर सकते हैं, कटोरी के ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे हाफ के जी के अकॉर्डिंग मैंने 3 कटोरी इसमें शक्कर यूज़ की है। 3 कटोरी में हम 2 ग्लास पानी डालेंगे
इसकी जो चाशनी होती है ना वो पतली होती है, एक तार की भी नहीं होती है, पतली होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी अगर गाढ़ी होगी तो आपके गुलाब जामुन पर वो जम जाएगी और आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे। तो ये बहुत पतली भी नहीं हो, बहुत गाढ़ी भी नहीं हो, क्योंकि बहुत पतली भी होगी तो आपको टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, उतनी मिठास नहीं होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम गुलाब जामुन के लिए, देखिए कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख ली है, कढ़ाई में वनस्पति घी मैंने डाला हुआ है, वनस्पति घी यूज़ किया जाता है, तेल में हम इसे नहीं सेकते हैं। अभी देखिए मैं इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में सेक रही हूँ, इसमें आप कढ़ाई बिल्कुल तेज़ भी नहीं होना है, धीमी भी नहीं रखना है, कढ़ाई मीडियम होनी चाहिए। बहुत तेज़ में आपके जो गुलाब जामुन अंदर से नहीं सिक पाएंगे, और अगर धीमी करेंगे तो भी अच्छे से नहीं सिक पाएंगे, तो आपको मीडियम में रखना है, बहुत तेज़ नहीं। अगर बहुत तेज़ होता है तो आप इसको मीडियम एकदम सिंपल कर लीजिएगा। एंड आप देखिए धीरे धीरे, मैं आपको एक इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप कॉन्सेंट्रेट करके आप देख पाएँ इसे, मैं धीरे धीरे, और इसे चलाना भी है ना तो बहुत आराम से चलाना, ताकि हमारे गुलाब जामुन जो कढ़ाई में टूट ना जाए, तो बहुत ध्यान रखते हुए इन्हें सेकना पड़ता है। आप इन्हें जब सेक रहे हो तो पूरा आप कॉन्सेंट्रेशन आपका इस पर ही होना चाहिए। तो ये देखिए बहुत ध्यान से हम इसे सेक रहे हैं। इसका कलर आप डार्क भी कर सकते हैं, कुछ ब्लैक कलर में भी सेक सकते हैं, या फिर आप कुछ रेड कलर से ही जब सेक जाता है तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका थोड़ा सा डार्क कलर करूँगी, और डार्क होने तक मैं इसे सेकूँगी। ये देखिए जो फ्लेम है मेरी मीडियम है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। साइड में जो मेरी है वो चाशनी भी तैयार हो रही है। इस तरह से आपको धीरे धीरे गुलाब जामुन को ऊपर नीचे करते हुए सेकना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ वीडियो ज़्यादा एडिट नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख पाएँ किस तरह सीखना है। जब आप इसकी गोलियाँ बनाएंगे ना, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये गोलियाँ फट ना रही हों, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से बंधी हुई हों, और अच्छे से पूरी तरह से गोल हों। देखिए कलर इसका डार्क हो गया है, मैं थोड़ा और डार्क करूँगी और इसके बाद मैं इसे निकालूँगी। अब देखिए हमारा जो गुलाब जामुन है यहाँ कढ़ाई से निकलने के लिए रेडी हो गया है। अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा आप इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे पहले, और मिनिमम 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स आप इसे चाशनी में डालेंगे। आपको इंस्टेंट ही नहीं डाल देना है चाशनी में, उससे आपका गुलाब जामुन बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने उसे निकाल कर रख लिया, और मैं यहाँ देखिए चाशनी तैयार कर रही हूँ। जब आप चाशनी शक्कर डालकर पानी डालते हैं और उसे गैस पर रखेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा आपको कंटिन्यू, जब तक शक्कर घुल नहीं जाती है तो आपको इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो शक्कर है ना वो नीचे आपके कंटेनर में चिपक जाएगी, जल जाएगी। तो आपको इसे कंटिन्यू यहाँ पर चलाते रहना है तब तक जब तक कि आपकी शक्कर पानी में पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए मैं इसे यहाँ कंटिन्यू चला रही हूँ। जब शक्कर घुल जाएगी ना, तो इसके बाद आप इसे बीच में थोड़ी देर रुक रुक कर आप इसे चलाइएगा, तब आपको कंटिन्यू नहीं चलाना है। और जब चाशनी बनाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत देर तक बॉयल नहीं करना है, बहुत टाइट चाशनी आपको नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से मैं, अभी शक्कर इसमें घुली नहीं है तो मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ। देखिए हमारी जो शक्कर है ना पूरी तरह से इसमें घुल चुकी है, मिक्स हो चुकी है। देखिए चाशनी का कलर भी चेंज हो रहा है। देखिए जो पानी का कलर था वो कुछ अलग था, अब ये देखिए कुछ येलो जैसा कुछ कलर हो गया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। जब भी आप चाशनी चेक करेंगे तो, अब चेक करने के लिए बता देती हूँ, आप चाशनी थोड़े से चम्मच में लेकर उंगली में लीजिएगा अपनी, और फिंगर में, दोनों फिंगर में लेकर चिपचिपाकर देखिएगा कि आज चाशनी आपकी चिपकने लगी है या नहीं। अगर वो चिपचिपाने लगी है इसका मतलब आपकी चाशनी अब तैयार हो गई है। देखिए अभी मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ, अभी चाशनी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, हम कुछ देर उसे बॉईल करेंगे। अब चाशनी हमारी ये देखिए रेडी हो गई है, अलग ही आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए
और गुलाब जामुन मैंने इसमें डाल दिए हैं। देखिए कितने यमी बने हैं। मैं ऐसे आपको एक जो गुलाब जामुन है इस तरह से निकाल कर भी दिखा देती हूँ अंदर तक। देखिए 15 मिनट में इसके अंदर चाशनी भी चली गई है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इसे एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। वन टाइम अगर नहीं आप सक्सेस होते तो सेकंड या थर्ड टाइम तो आप सक्सेस होंगे ही। ये बहुत टफ़ नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल बाजार के जैसे। आप इन्हें घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा गाइस कि आपको गुलाब जामुन कैसे लगे। मेरी जो रेसिपी है आपको पसंद आई, आपने बनाकर ट्राई किया और इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से, या मैंने ये देखिए आप बादाम के मैंने कुछ टुकड़े लेकर इसमें इस तरह से सजाया है। आप नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं, मैंने नारियल का बूरा भी डाला है। आप जिस तरह के ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, आप इसमें प्रेफर करते हैं वो डाल सकते हैं, या फिर आप इसे विदाउट एनी डेकोरेशन भी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यमी लगते हैं और मेरे मुँह में तो इन्हें देख कर पानी आने लगा है। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे यकीन है कि आप लोग इसे बना एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड अगर आप मेरा अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं ना तो उसके लिए प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो क्या ना अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप मिस कर जाएंगे। तो प्लीज़ उसे आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस, और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।